ठीक है, देखो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस आपको गिवन है, हमने फाइंड करनी है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, ये ऐसे सम्स आप कर चुके हो वैसे, चलो एक बार हम रिविजन कर रहे हैं थोड़ी सी। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, तो ये हमें सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहले जब भी आपको सीक्वेंस गिवन होती है ना, एपी सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिख लो एक तो, और एक कॉमन डिफरेंस लिख लो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो वी लेट एन टर्म्स आर देयर। ठीक है, सो लेट कर लेंगे कि देयर आर एन टर्म्स, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है। अगर एन टर्म्स है सीक्वेंस में, तो लास्ट टर्म क्या होगी, ए एन होगी, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और यहाँ पे आपको लास्ट टर्म कितने गिवन है, 111। ठीक है, हम यहाँ पे कौन सा लगा रहे हैं, लास्ट टर्म लगा रहे हैं, बिकॉज लास्ट टर्म वी शुड हैव टू गिवन। तो ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 3 है, एन हमने फाइंड करना है, बिकॉज कितनी टर्म्स हमने लेट की है, एन टर्म्स लेट की है, तो एन हमने फाइंड करना है। तो ए है हमारे पास 3 और डी है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 3n - 3। ठीक है, नाउ 3n = 111, सो n = 37। दैट मीन्स यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 37 टर्म्स हमने लेट किया था, n टर्म्स है सीक्वेंस में, तो n = 37, सो इन दिस सीक्वेंस देयर आर 37 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस यू हैव टू गिवन द सीक्वेंस, यू हैव गिवन द सीक्वेंस 20, 19, 1/4, 18, 1/2, सो ऑन अप टू। तो हमने बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब देखो अब ये डिक्रीज हो रही है, हमें दिख रहा है ना 20 है, फिर 19 1/4 है, 18 1/2 है, आगे 17 समथिंग आएगी, तो ये डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाके ये नेगेटिव हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमने बताना है कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, 20th टर्म है, 13th टर्म है, 15th टर्म है, कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस गिवन है, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिखो, तो फर्स्ट टर्म इज 20 एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1, दैट इज यहाँ पे आप एल वो ले लो, इसको सॉल्व करो मिक्स फ्रैक्शन को, 76 + 1 = 77। ठीक है, और इसको एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 77 - 80/4, दैट इज -3/4। नाउ फर्स्ट टर्म इज 20 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3/4 एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो जब भी हमने कोई टर्म फाइंड करनी है कि ये कौन सी टर्म होगी, या ये टर्म होगी भी या नहीं होगी, तो हमने उसको nth टर्म लेट कर लेना, कौन सी टर्म, लास्ट टर्म, दैट मीन्स nth टर्म। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सो लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो ए एन फाइंड करेंगे, nth टर्म इज ए एन, वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। नाउ ए इज 20 एंड डी इज -3/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व करके हमारे पास हो जाएगा 20 - 3n/4 + 3/4। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो 83/4 - 3n/4। अब हमने लेट कर लिया कि जो nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब n क्या है, ये चीज हमने फाइंड करनी है ना कि n क्या है।
तो अब देखो कैसे करेंगे, अगर ये नेगेटिव टर्म है तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेस देन जीरो होगी, कह सकते हैं ना, नेगेटिव टर्म, एवरी नेगेटिव टर्म इज लेस देन इक्वल लेस देन जीरो, तो हम इसको लेस देन जीरो रख सकते हैं। दैट इज 83/4 माइनस 3n/4 लेस देन जीरो। यहाँ से हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है, ये टर्म उधर जाके नेगेटिव होगी, अब दोनों साइड नेगेटिव है, इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3n greater than 83, दैट इज n greater than 83/3। तो जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ये हमारे पास आ जाएगा 27 2/3, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, तो देखो इससे ग्रेटर बहुत सारी टर्म्स आएंगी, 28, 29, 30, 31, बट हमने फर्स्ट लेनी है तो वो क्या आएगा, 28, क्योंकि जो n है वो नेचुरल नंबर होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो इससे ग्रेटर 28, 29, 30 ऐसे बहुत सारी टर्म्स आएंगी, बट फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 28। सो हम कहेंगे सिंस 28 इज द नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन दिस, सो n इक्वल्स टू 28। तो कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी सीक्वेंस की, 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको गिवन है, देखो 8 - 6 आया था, 7 - 4 आया था, 6 - 2 आया था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस फर्स्ट पार्ट है इज प्योरली रियल एंड सेकेंड वन इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो हमने बताना है कौन सी टर्म है जो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी है। जब भी हमने विच टर्म बताने, तो हम कौन सी टर्म लेट करते हैं, nth टर्म लेट करते हैं। सबसे पहले जब सीक्वेंस गिवन है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म लिख लो, क्योंकि वो हमने यूज करना होता है आगे। सो फर्स्ट टर्म इज 8 - 6 आइटा एंड कॉमन डिफरेंस इज a2 - a1, दैट इज -1 + 2 आइटा, ठीक है। 7 - 8 इज -1 एंड 6 - 4 इज 2 आई। तो फिर हम लेट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए जो भी है। तो ए एन भी आप फाइंड कर लो, दोनों में ए एन ही लेट करनी है, तो ए एन भी पहले फाइंड कर लो। तो ए कितना है, 8 - 6 आई था, और डी कितना है, -1 + 2 आई था, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 8 - 6 आई था, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड इनटू -1 + 2 आइटा, और -1 के साथ करेंगे +1 - 2 आइटा, ये हो गया -n - 2n आइटा +1 - 2 आइटा। ये हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, a प्लस आइटा b की फॉर्म में, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स, इट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 8 + 1 = 9, तो 9 - n तो इसका रियल पार्ट हो गया, और यहाँ देखो -2n, और यहाँ पे -6 - 2 = -8, तो ये इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ जी, मैं वही देख रही हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास। अब उन्होंने कहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्योरली रियल, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा, अगर हम लेट कर लेंगे nth टर्म, कि nth टर्म इज प्योरली रियल। अब इसको रियल बनाने के लिए
इसको जीरो होना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट को. सो इफ nth टर्म इज प्योरली रियल तो दिस इम्प्लाइज 2n माइनस 8 शुड बी जीरो. ठीक है, दैट इज 2n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो प्योरली रियल टर्म है वो कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है जो प्योरली रियल. सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए हम कहेंगे लेट nth टर्म इज प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी के लिए यहाँ पे अब रियल पार्ट को जीरो होना पड़ेगा. तो यहाँ से एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई. तो फोर्थ टर्म इज प्योरली रियल एंड 9th टर्म इज प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, अब ये थे बिल्कुल सिंपल सम्स जो आप कर चुके हो पहले भी. अब देखो, अब आपको प्रूफ्स वाले सम भी आएंगे कुछ, जिसमें हमने डेफिनेशन तो इसी की यूज करनी है, जनरल टर्म. ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट फर्स्ट पार्ट इज ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है. अगर पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म ए पी की क्या है, ए बी सी है. देखो ये सारे सम्स ना ये सिमिलर सम्स ही जी पी में आएंगे, बस उसमें क्या हो जाएगा, जो इसके जनरल टर्म है या सम ऑफ टर्म्स है वो डिफरेंट हो जाएगा, उसका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, मेथड सारे सेम रहेंगे. ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे टर्म्स को खोलना आ गया तो वहाँ पे आपको जी पी सीरीज जो करनी है वो डिफिकल्ट नहीं होगी. ठीक है, वो भी ईजी लगेगी. तो यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या है, पहले तो पी एथ टर्म, दैट इज टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं ना ए एन के साथ. तो पी एथ टर्म है दैट इज ए पी है. अगर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी है तो ए पी क्या होगी, ए प्लस पी माइनस वन डी. अब देखो यहाँ पे ना ए बी सी यूज हुआ पड़ा है छोटा, तो है ना, तो हम कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे ताकि मिक्स ना हो. ठीक है, तो कैपिटल ए एंड कैपिटल डी ले लिया हमने, जो सीक्वेंस है उसके फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लेट कर लिया और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी. तो पी एथ टर्म हमें गिवन है स्मॉल ए के इक्वल. ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्यू एथ टर्म. तो क्यू एथ क्या होगी, ए प्लस क्यू माइनस वन डी विच इज इक्वल्स टू बी. सिमिलरली आर एथ टर्म ए आर ए प्लस आर माइनस वन डी विच इज इक्वल्स टू सी. ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का. अब देखो हमने प्रूफ क्या करना है, ए इंटू क्यू माइनस आर बी इंटू आर माइनस पी सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो. तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अब हम, ये तो हमें गिवन था सारा. तो फर्स्ट पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ए इंटू क्यू माइनस आर बी इंटू आर माइनस पी सी इंटू पी माइनस क्यू. तो ए की वैल्यू इसकी इक्वल है, ये पुट कर दो, व्हाट इज ए, ए इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन डी और साथ में क्या है क्यू माइनस आर प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी और साथ में क्या है आर माइनस पी. सिमिलरली सी इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन डी और साथ में क्या है पी माइनस क्यू. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, ए वाली टर्म्स को अलग कर लो, डी वाली टर्म्स को अलग. तो देखो यहाँ पे हमने ऐसे लिखेंगे इसको, देखो ए इंटू एक मिनट, ए इंटू क्यू माइनस आर, ये ए वाली टर्म होगी और ये डी वाली, डी के साथ क्या आ जाएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर. यहाँ पे
प्लस ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन डी इंटू आर माइनस पी प्लस ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो जो ए वाली टर्म्स है ये है और ये, इसमें से ए कॉमन निकाल लो तो क्या रह गया अंदर, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, सिमिलरली डी वाली टर्म्स में से डी को कॉमन निकाल लो तो यहाँ से डी को कॉमन निकाला, पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस यहाँ पे क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस यहाँ पे आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारी टर्म्स कैंसिल होगी तो ये हो गया ए इंटू जीरो इज जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ए इंटू जीरो। और यहाँ पे जो डी वाली टर्म्स है इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या बनेगा, देखो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इज पी क्यू माइनस पी आर। ठीक है, तो माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बनेगा क्यू आर माइनस क्यू पी। ठीक है, माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। ठीक है, इसको किया ये बनेगा प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब इसको भी देखो यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी टर्म्स, पी क्यू माइनस क्यू पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस पी आर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर एंड माइनस पी प्लस। ये सारी टर्म्स भी जीरो होगी और जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, ठीक है, सॉल्व किया वैल्यूज पुट की है तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है कि ए माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब हमने इसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस ए चाहिए और हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज ये है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, एक तो ए माइनस बी निकाल लेंगे, फिर बी माइनस सी निकाल लेंगे, फिर सी माइनस ए और फिर वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी करके क्या आएगा, ए माइनस बी दैट इज इसको इससे माइनस, क्या बनेगा देखो ए प्लस बी माइनस वन डी, इसके साथ इसको माइनस माइनस ए माइनस क्यू माइनस वन डी, ए माइनस बी करके हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ए कैंसिल हो गया, बी कॉमन निकाल लो दैट इज पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, तो ये हमारे पास हो गया डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब बी माइनस सी क्या आएगा, सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे पी था यहाँ पे क्यू था तो पी माइनस क्यू आया, तो बी माइनस सी करके क्या आएगा, क्यू माइनस आर। अब जरूरी नहीं आपने सारे करके दिखाने, आपने एक करके दिखा दिया, आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बनी है वो क्या बनी है, डी इंटू पी माइनस क्यू, जो ये वेरिएबल था जो ये वेरिएबल है ना क्यू, यहाँ पे पी था यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे देखो क्यू है यहाँ पे आर है तो ये क्यू माइनस आर हो गया। अब जब आप सी माइनस ए करोगे तो ये बनेगा आर माइनस पी, तो सी माइनस ए बन जाएगा आर माइनस पी इंटू डी, माइनस करके भी देख सकते हो इसके साथ कंपेयर करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब फिर आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी इंटू आर बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, तो ए माइनस बी इज डी इंटू पी माइनस क्यू और साथ में है आर, बी माइनस सी इज क्यू माइनस आर इंटू डी और साथ में पड़ा है पी, सी माइनस ए इज आर माइनस पी इंटू डी और साथ में क्या पड़ा है क्यू। अब डी कॉमन निकाल लो मल्टीप्लाई करो, ये बन गया पी आर माइनस क्यू आर यहाँ पे प्लस पी क्यू माइनस आर पी यहाँ पे
प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू। तो ये देखो ये भी सारे टर्म्स क्या होगी, कैंसल होगी, तो विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमने कुछ भी नहीं किया, हमने वही फॉर्मूले अप्लाई किए, जनरल जनरल टर्म है वो जो हमारे पास ए एन की, ए एन जनरल टर्म है, और वही फॉर्मूला हमने अप्लाई करके प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शो दैट सम ऑफ एम प्लस एन एथ टर्म एंड एम माइनस एन एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वाइस द एम एथ टर्म। अब क्या कह रहे हैं, एक तो एम प्लस एन एथ टर्म है, एक एम माइनस एन एथ टर्म है, हमने शो करना है दोनों का सम किसके इक्वल है, ट्वाइस द एम एथ टर्म। सीक्वेंस सेम है, एपी सीक्वेंस है, प्रूफ क्या करना है, देखो सबसे पहले आप टू प्रूफ लिखा करो कि एक तो गिवन लिखा करो गिवन क्या है, और एक प्रूफ लिखा करो कि हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो देखो हमने प्रूफ करना है, टू प्रूफ सम ऑफ एम प्लस एन एथ टर्म, टर्म को ए के साथ डिनोट करते हैं, ए एम प्लस एन, हमने प्रूफ करना है इन दोनों का सम एम एथ टर्म के ट्वाइस के इक्वल है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। देखो सिंपल हो गया ना, बिल्कुल प्रूफ लिख लो पहले, हमने करना क्या है, हमने करना है सम ऑफ एम प्लस एन एथ टर्म एंड एम माइनस एन एथ टर्म इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम एथ टर्म। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एम एथ टर्म दैट इज, हमने ये चीज प्रूफ करनी है इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ऊपर आप चाहे लिख सकते हो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस रिस्पेक्टिव। तो ए एम प्लस एन किसके इक्वल होगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, ए एम माइनस एन किसके इक्वल होगा, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन डी वाला। तो यहाँ से ए वाले टर्म्स क्या होगी, देखो ए प्लस ए कितना हो गया 2a, और डी वाले टर्म्स में से डी कॉमन निकाल लो तो क्या रह गया, एम प्लस एन माइनस वन, और यहाँ से प्लस एम माइनस एन माइनस वन, तो 2a प्लस डी यहाँ पे हो गया 2m एंड देन कैंसिल हो गया 2m माइनस 2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो गया m माइनस 1। अब 2 दोनों टर्म से कॉमन निकाल लो तो a प्लस m माइनस 1 डी, तो दिस इज इक्वल्स टू ए एम। तो ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी। ठीक है, ठीक है, ऐसे सारे सम सेम जीपी सीरीज में आएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं इसको ताकि आपको इसके तो फॉर्मूले ज्यादा अच्छे से और ये समझ आ जाएगा। अगर हम सीधा उसमें करेंगे तो उसमें फिर आपको फॉर्मूलेज अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट देखो, इफ द, अब हमें गिवन है पी एथ टर्म इज क्यू एंड क्यू एथ टर्म इज पी ऑफ एन ए पी, देन प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n। सबसे पहले गिवन n टू प्रूव लिखा करो क्या है, ठीक है, a एंड d तो कॉमन डिफरेंस आप लेट कर सकते हो, हमेशा लेट करना a एंड d, a एंड d आर कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली। तो देखो गिवन क्या है, हमें pth टर्म दैट इज ए पी, इसको सारा खोल के लिख लिया करो, तो ये आपको गिवन है पी एथ टर्म इज क्यू, ठीक है, फिर हमें गिवन है क्यू एथ टर्म विच इज इक्वल्स टू पी, ठीक है, ये तो हमें गिवन है। तो जो टू प्रूफ करना है हमने वो क्या करना है, टू प्रूफ भी साथ में लिख लो,
टू प्रूव हमने करना है nth टर्म, दैट इज ए एन इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस एन, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो वैसे ए एन क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी होती है। तो हम क्या करेंगे, ए एंड डी की वैल्यूज फाइंड करेंगे इन दोनों में से। कैसे, ये क्या है, दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम ए एंड डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे वन एंड टू को। तो हमारे पास है ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल्स टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल्स टू पी, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी, और यहाँ पे क्यू माइनस पी, यहाँ से वन वन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, माइनस वन। ठीक है, नाउ हम इसको किसी में पुट कर सकते हैं, नाउ पुट d इक्वल्स टू माइनस वन इन फर्स्ट, सो a प्लस पी माइनस वन डी, डी की जगह माइनस वन पुट कर दिया, तो हमारे पास हो गया a माइनस पी प्लस वन, दैट इज ए की वैल्यू आ गई क्यू प्लस पी माइनस वन। ठीक है, अब ए एंड डी की वैल्यूज आ गई हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है, ए एन, और ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी की वैल्यू है माइनस वन। सॉल्व करो, ये क्या हो गया, माइनस एन प्लस वन, वन वन कैंसल, तो जो ए एन है हमारे पास आ गई पी प्लस क्यू माइनस एन। तो यही चीज हमने क्या करना था, ए एन को प्रूफ करना था पी प्लस क्यू माइनस एन। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे प्रूफ वाले और भी सम्स आएंगे। तो देखो अभी अब हम जो भी निकाल रहे हैं जनरल टर्म, ये निकाल रहे हैं nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, जो भी हम nth टर्म लेते हैं ये क्या होती है, हम ऐसे लेते हैं ना, ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन अप टू ए एन, तो ए एन इज द लास्ट टर्म बट फ्रॉम बिगिनिंग ना, स्टार्टिंग से ए एन है जो लास्ट टर्म है ना, है ना। अच्छा, अगर हमने जैसे ये nth टर्म है, 20th टर्म है, 16th टर्म हम निकाल रहे थे, जो भी निकाल रहे थे वो हम फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब अगर आपके पास आ जाए nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो हमें कैसे पता चलेगा वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म है, हमें तो फॉर्मूला बिगिनिंग वाला गिवन है कि जो 20th टर्म निकालो या जो भी निकालो। तो अब हम देख रहे हैं इसका क्या फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर हमने लास्ट से निकालनी है तो वो क्या होता है, तो अगर हमारे पास a फर्स्ट टर्म है, ठीक है, एंड d कॉमन डिफरेंस है, और टोटल टर्म्स हमारे पास m है, ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है, m है, और हमने निकालनी है nth टर्म फ्रॉम द n, तो वो किसके इक्वल होगी, m माइनस n प्लस वन nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। देखो टोटल टर्म्स अगर m है, हमने nth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, तो वो बिगनिंग से या स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, m माइनस n प्लस वन nth टर्म। ठीक है, तो ये टर्म हम निकालेंगे, हमारे पास एंड से टर्म आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो देखो जैसे मान लो हमने 20th टर्म निकालनी है, हमारे पास टोटल टर्म्स हैं 30। ठीक है, तो हमने निकालनी है 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो
वो कौन सी टर्म होगी? ये आपका अब एम के इक्वल है, ये एन के इक्वल है, तो वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी? 30 माइनस 20 प्लस 1, दैट इज 10 प्लस 1, 11th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, अगर वो एंड से 20th टर्म है तो वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी? 11th टर्म होगी, और हम 11th टर्म को फाइंड करेंगे फ्रॉम बिगनिंग, वो आएगी हमारे पास 20th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, देखो जैसे इसके साथ का सम है हमारे पास, पहले तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है आपको, वो गिवन है सीक्वेंस 3 7 11 सो ऑन अप टू 407, तो हमने फाइंड करनी है इसकी 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पहले तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ए, और कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 7 माइनस 3 इज 4। ठीक है, एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है 407, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दैट इज 407 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 3 इधर आके माइनस हो गया, दैट इज 404। ठीक है, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 101 इक्वल्स टू एन माइनस वन, सो एन इक्वल्स टू 102। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 102 है, और हमने फाइंड करनी है 20th टर्म बट फ्रॉम एंड। ठीक है, तो अगर ये 20th टर्म फ्रॉम एंड है तो बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी? देखो, तो 20th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू कौन सी टर्म होगी? एम माइनस एन प्लस वन, दैट इज 102 माइनस 20 इज 82 प्लस 1 83, 83rd टर्म फ्रॉम बिगनिंग। मतलब हम कौन सी टर्म फाइंड करेंगे? ए 83। ठीक है, ये चीज याद रखना, एम माइनस एन प्लस 1 ये इसका फॉर्मूला है, तो ए 83 फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? ए प्लस 82d, और ए आपके पास फर्स्ट टर्म है 3 एंड कॉमन डिफरेंस है 4, तो दिस इक्वल्स टू 328 प्लस 3, तो ये हमारे पास हो गया 331। ठीक है, तो ऐसे आपने फ्रॉम द एंड जो टर्म है वो फाइंड करनी है, पहले हम देखने कि वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी, फिर आपने वही फॉर्मूला लाके उस टर्म को फाइंड कर लेना। ठीक है, तो आप देख लेना इसके साथ के सम्स एनसीईआरटी बुक में से, आगे हम कल मंडे को करेंगे। ठीक है, आज आपका टेस्ट भी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है, 7 बजे होगा शाम को, उसकी तैयारी कर लेना आप। ओके, बाय, टेक केयर।